हेलो एवरीवन, वेलकम टू guruplaggy.in। इस वीडियो में हम देखेंगे डीडीए एसएचओ एग्जाम के पैटर्न के बारे में और 2017 में जो पेपर हुआ था उसको पूरा ही डिकोड करेंगे। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्शनल हॉर्टिकल्चर एग्जाम लास्ट हुआ था 2017 में, सितंबर 2017 में एग्जाम हुआ था। जो पैटर्न है 2020 और 2017 का बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन तब आए थे और 120 क्वेश्चन में से फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल के क्वेश्चन थे 80 और इंग्लिश जो से इंग्लिश के क्वेश्चन 10, रीजनिंग के 10, एप्टीट्यूड के 10, जनरल अवेयरनेस के 10। जो कट ऑफ है बहुत ही कम गई थी, ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये मानिए कि जो फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल है यहाँ पे अच्छा रोल प्ले करने वाला है, लेकिन साथ में इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे 40 नंबर का रोल प्ले करेगा। मतलब 2/3 यहाँ पे फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल और 1/3 जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो रोल प्ले करेंगे। तो 33% जो है वो ये चार सब्जेक्ट है, ठीक है, 66% ये वाला है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे फ्लोरिकल्चर की अगर बात करें तो फ्लोरिकल्चर में बेसिक से लेके हाई लेवल तक के थे 80 क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मतलब मानिए कि इतना हाई था कि वो वैसे तो मतलब अगर आपने डेप्थ पढ़ा है तो वो ऑप्शन वैसे इजी लगने चाहिए, लेकिन उसे हम हाई की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि जब एक डाटा पूछा जाता है तो उस टाइम पे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में डाटा पूछा गया था, कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो सारे यहां पे डिस्कस यहां पे करेंगे, ठीक है। जो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सबको एक ही कैटेगरी में आप मानिए। वो कैसे, क्योंकि ये जो चार सब्जेक्ट है इनका सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि आईबीपीएस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपने आईबीपीएस का एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग प्रिपेयर कर रखा है तो यहां पे आपके कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये टोटली एसएससी और स्टेट लेवल वाले जो एग्जाम पैटर्न होता है ये टोटली वो ही एग्जाम पैटर्न है। यहां पे रीजनिंग जो है वो एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम पैटर्न है और एप्टीट्यूड भी वही पैटर्न वाला है, यहां पे सभी वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जनरल अवेयरनेस भी मॉडर्न हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन, एनिशंट हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन और करंट के 3-4 क्वेश्चन और पूरा ही यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पैटर्न की बात ये थी कि आईबीपीएस का पैटर्न यहां पे फॉलो नहीं होना है। यहां पे एसएससी और स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं उनमें जो पैटर्न होता है यहां पे वो वाला पैटर्न रहने वाला है। इंग्लिश है यहां पे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, ना क्लोज आया था, ग्रामर आई थी, ठीक है, और ग्रामर में भी जो एसएससी वाली होती है वो वाली थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि यहां पे पहली बात तो अप्लाई कर पाते हैं डीडीए एसएचओ के लिए एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, फॉरेस्ट्री वाले और हॉर्टिकल्चर वाले, ठीक है, तीन ही टाइप के स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल होते हैं। और जो हमारे नेशनल कैपिटल के नजदीक वाले स्टेट है वही ज्यादातर उसे फिल करेंगे। जैसे कोई साउथ पार्ट का स्टूडेंट है या ईस्टर्न पार्ट वाला है तो वो बहुत उसे कम इंटरेस्ट लेंगे। हो सकता है कि स्टूडेंट वहां से इंटरेस्टेड हो, लेकिन एज कंपेयर टू जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी ये वाले जो स्टेट हैं इसके कंपेरिजन में उनका इंटरेस्ट कम होगा। तो जो कंपटीशन है वो भी कम होगा क्योंकि यहां पे ईएफओ के कंपेरिजन में कंपटीशन कम होगा। दूसरा, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एक तो कोरोना वायरस का करके कोई भी एग्जाम, एजुकेशनल कोई भी काम है वो सबसे लेट होगा, सबसे बाद में होगा। तो ये मानिए कि आपके पास कम से कम 6 महीने मिनिमम तो है ही है, तो 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच बीच ये एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए हम कोर्स भी लेके आ रहे हैं जिसमें सभी जो सब्जेक्ट है वो कवर किए जाएंगे, चाहे रीजनिंग है, चाहे एप्टीट्यूड है, चाहे इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर नहीं आने वाला है सारा। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से एक मॉडर्न हिस्ट्री का, एक एनिशंट हिस्ट्री का, वो भी बेसिक, ऐसा नहीं है हाई लेवल था, बेसिक थे। मॉडर्न हिस्ट्री का भी बेसिक था, एनिशंट हिस्ट्री का भी बेसिक था और जो जनरल अवेयरनेस में 3-4 क्वेश्चन करंट के थे। तो टोटली यहां पे डीकोड करेंगे। ये जो है सिंगल विंडो एग्जाम है, ठीक है, मतलब आईबीपीएस की तरफ फ्री और मेन नहीं है, सिंगल विंडो एग्जाम है। ऑफिसर के रैंक की पोस्ट है और जो सिलेबस है वो 2017 के बिल्कुल सेम है। तो यहां पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सिलेबस फिक्स है। देखिए अगर फ्लोरिकल्चर आना है तो फिक्स है। आईबीपीएस में क्या है कि देखिए अगर पिछले साल एनिमल हस्बेंड्री आया था तो अगले साल कौन सा सब्जेक्ट आएगा वो फोकस नहीं है, सॉरी फिक्स नहीं है, लेकिन यहां पे जो है सिलेबस है वो फिक्स है, ठीक है। और जो ऑप्शन है क्वेश्चन के वो 4 हैं,
ठीक है, मतलब आईबीपीएस में 5 होते हैं तो इसमें 4 है, मतलब आपको ऑप्ट करने में, लगाने में, यहां पे एलिमिनेट करने में यहां पे आसानी होगी, ठीक है। और जॉब की जो लोकेशन है वो है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको रूरल एरिया में काम करना है, तो नेशनल कैपिटल है तो यहां पे भी एक बेनिफिट है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले बात बात कर लेते हैं गुरुकुल जो कोर्स लेके आ रहा है स्पेशली डीडीए एसएचओ के लिए। एएफओ के बाद ये ऐसा दूसरा कोर्स है जो गुरुकुल के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अभी तक गुरुकुल एएफओ का ही पूरा मतलब जो कोर्स है वो लॉन्च करता था, एएफओ ओरिएंटेड था, अभी डीडीए के लिए लेके आ रहे हैं। इससे पहले डीडीए के लिए 10 से 12 लेक्चर प्रिपेयर कर लिए गए हैं तभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू ज्वाइन करता है तो उसे कुछ लेक्चर जो है वो दिखने को मिले। इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, एप्टीट्यूड मिलेगा, इंग्लिश मिलेगी, जनरल अवेयरनेस भी मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए 20 मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे। फ्लोरिकल्चर और मेडिसिनल का पार्ट भी इंक्लूड रहेगा। बेसिक से लेके हाई लेवल तक इस कोर्स में आपको रहेगा, और इस कोर्स में लगभग ये मानिए कि 100 से ज्यादा आपको मॉड्यूल मिलेंगे। 100 से ज्यादा तो आराम से हो ही जाएंगे, क्योंकि 50 प्लस तो फ्लोरिकल्चर के ही हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरिकल्चर अपने आप में बहुत वास्ट है। दिखने में आपको ये सब्जेक्ट बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप 80 क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा ये कितना वास्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जो 80 क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर के, ये दो हिस्सों में वैसे तो डिवाइड है, मेडिसिनल और फ्लोरिकल्चर का। एक हॉर्टिकल्चर का इसलिए रखा है क्योंकि इस बार उन्होंने हॉर्टिकल्चर यहां पे मेंशन किया, लेकिन उसका अगर रेशो भी रहेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन का ही रहेगा, ज्यादा फोकस उनका फ्लोरिकल्चर पे, नंबर 2 पे मेडिसिनल पे, नंबर 3 पे हॉर्टिकल्चर पे रहने वाला है। तो फ्लोरिकल्चर आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पेपर में हाई होगा, और आपको ऑप्ट करने में आसानी आएगी, आप आसानी से पेपर को क्रैक कर पाओगे। तो 80 क्वेश्चन में से आप टारगेट लेके चलिए कि मिनिमम 50 तो मैं लेके ही आऊंगा, क्योंकि रीजनिंग एप्टीट्यूड में 10-10 नंबर लाना, 10 में से 8-8 नंबर लाना बहुत ईजी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में भी 5 नंबर आप इजीली ले आओगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से इसे प्रिपेयर किया, ठीक है। रीजनिंग में 8 नंबर, एप्टीट्यूड में 8 नंबर, और इंग्लिश में आप 5 तो मान के ही चलिए, क्योंकि वो ग्रामर है, ठीक है, उसमें पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये वाले हैं, ठीक है। तो जो यहां पे है, यहां पे अगर आप मिनिमम 50 और ज्यादा से ज्यादा 65 या 70 नंबर अगर लेके चलते हो तो आपका 101% यहां पे सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, सेक्शन फ्लोरिकल्चर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैमिली का पूछा गया है, ब्लेजिंग स्टार, ठीक है, ब्लेजिंग स्टार ये एक फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें जो पूरे इसके फ्लावर्स होते हैं वो एक स्टार की तरह होते हैं, ठीक है, तो इसको ब्लेजिंग स्टार कहते हैं, और इसका राइट आंसर है कंपोजिटिजी, ठीक है। तो ये कंपोजिटी जो फैमिली होती है इसे एस्ट्रेसी भी कहते हैं। यहां पे जो यहां पे सीधा एस्ट्रेसी ना देके उसको कंपोजिटी पूछा गया है, बात एक ही है, ठीक है, इसे एस्ट्रेसी भी रेफर किया जाता है। एक्चुअल में जो एस्टर होता है इसका मीनिंग होता है स्टार, ठीक है, ठीक है। अब जो सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर, ठीक है, अब देखिए यहां पे मीनिंग देखिएगा, जो सनफ्लावर होता है इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी, एस्ट्रेसी होती है, ठीक है। एस्टर का मीनिंग होता है स्टार, और सन भी अपने आप में एक स्टार है, ठीक है, अपने आप में एक क्या है, स्टार है। तो सनफ्लावर की फैमिली भी यहां पे एस्ट्रेसी होती है। तो कोई भी ऐसा फ्लावर है, कोई भी ऐसा प्लांट है जिसके पीछे स्टार लगा है, ठीक है, जिसके फ्लावर स्टार की तरह होते हैं, उसकी फैमिली जो होती है वो होती है एस्ट्रेसी, ठीक है, इसका मीनिंग ही अपने आप में स्टार होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो पूछा गया है वो इकाबाना के ऊपर है, जैपनीज जो इकाबाना अरेंजमेंट है, ठीक है, इसकी जो बेसिक 3 मेन लाइन होती हैं उनमें से एक होती है हेवन, एक होती है मैन, और जो तीसरी होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। इसमें 3 लाइन होती हैं इकाबाना में, ठीक है, जो सबसे बॉटम वाली लाइन होती है वो करती है अर्थ को रिप्रेजेंट, ठीक है, और जब जो बिल्कुल जो हाई होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेट होती है, और जो सबसे ऊपर जा रही होती है ऊपर की तरफ हाइट में, वो होती है हेवन, और जो बीच वाली होती है वो होती है मैन। ये इकाबाना का ये जो 3 लाइन वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, ये अपने आप में यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि हेवन और अर्थ के बीच का जो है मीडियम है वो है मैन का, ठीक है। तो इकाबाना जैपनीज टर्म है, इसको कादो भी कहते हैं जैपनीज, ओके। रोज कल्टीवर का पूछा है, अभिसारिका, अभिसारिका जो है ये म्यूटेंट है इनमें से कौन से कल्टीवर का, वो है किस ऑफ फायर का, ठीक है। IARI ने 3 रोज की वैरायटी डेवलप की थी इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा, याद रखिएगा इंड्यूस्ड म्यूटेशन यहां पे
के द्वारा डेवलप की गई थी और अभिसारिका की गई थी शिशो फायर से, पूसा त्रिचना की गई थी क्रिश्चियन दयाओ से और मधोश की गई थी गुलजार से। ठीक है, गुलजार तो तीन यहां पे डेवलप की गई थी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने जो जो इंपोर्टेंट वैरायटीज की वो भी एग्जाम में पूछा गया है। 2017 में एग्जाम हुआ था, पैटर्न 2020 वाला बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैपनीज फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें जो शाइन जो है ये वाला, ठीक है, उसका एंगल पूछा गया है कि शाइन का एंगल कौन सा है। ठीक है, तो जो इकाबाना तीन टाइप का होता है, ठीक है, जो पहला होता है नाइजीरिया बाना, जो नाइजीरिया बाना है ये आगे तीन टाइप का होता है। ठीक है, आगे इसकी तीन ब्रांचेस होती हैं। पहली होती है शाइन जिसमें एंगल होता है 15 का, दूसरा होती है शोए जिसमें एंगल होता है 45 का, तीसरी होती है ताई या हकाई जिसे कहेंगे हम, इसका एंगल होता है 75 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका देखिए। ठीक है, ये देखिए इसे 15 को हमें जो फर्स्ट तीन ऑड नंबर होते हैं उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। 15 को अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर है, ठीक है, तो शिन का एंगल आएगा। 15 को अगर तीन से करेंगे, तीसरा तीन है यही सेकंड ऑड नंबर है। ठीक है, तो सेकंड ऑड नंबर को करेंगे तो 45 आएगा, और अगर थर्ड ऑड नंबर 5 को 15 से करेंगे तो 75 डिग्री एंगल आएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वो आएगा ताई, टी या टी वाला आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आगे बताया गया है मोरीबाना का और हकाई स्टाइल का, जो तीन टाइप के इकाबाना होते हैं। मोरीबाना जो टर्म है आप लोगों ने काफी सुनी होगी। ठीक है, आगे है पीएच पूछा है रोज का, वो होती है 6 से 7। ठीक है, रोज और बोगनविलिया ग्लेडियस इन सब के क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। बोनसाई का पूछा गया है, बोनसाई में कंटेनर का पूछा गया कि कैस्केड टाइप में कौन सा कंटेनर प्रेफर किया जाता है, वो किया जाता है स्क्वायर टाइप का। ठीक है, और एक्चुअल में जो कैस्केड टाइप का बोनसाई होता है इसमें जो डीप हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल और स्क्वायर ये सब टाइप के जो कंटेनर है वो यूज किए जाते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, सेमी कैस्केड में ये वाले होते हैं। ठीक है, और जो बोनसाई होता है, ठीक है, ये एक इसे ऑप्टिमम कंटेनर चाहिए होता है, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है इसमें कंटेनर की। ठीक है, इसीलिए इसमें कंटेनर की यहां पे इंपोर्टेंस है। ठीक है, और ऑप्टिमम अगर साइज देखे बोनसाई का वो होता है 30 से लेके 60 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेविल ट्री, सप्तापारनी एक बंगाली वर्ड है, इसका जो यहां पे ये मेडिसिनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसका यहां पे साइंटिफिक नेम पूछा है कि शैतान का झाड़, इसे हिंदी में शैतान का झाड़ बोलेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है अल्स्टोनिया स्कॉलस। ठीक है, ये जो है ये ट्रेडिशनल प्राचीन में इसे डायरिया के लिए, डायसेंट्री के लिए, अस्थमा के लिए और कुछ प्रकार के यहां फीवर बुखार के लिए इसे यूज किया जाता था। ठीक है, इसे डेविल ट्री कहते हैं इंग्लिश में और बंगाली में इसे कहते हैं सप्तापर्णी, और इसकी फैमिली है अपोसियनी और ये ओरिजिन है साउथ चाइना ट्रॉपिकल एशिया। ठीक है, ये पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा। आगे है वाइल्ड गार्डन का पूछा गया कि वाइल्ड गार्डन बुक, ये बुक है। ठीक है, ये एक्सपोनर की गई थी विलियम रॉबिन्सन ने कौन सी सेंचुरी में की थी, तो ये की थी 19th सेंचुरी में और ईयर था 1870 में ये द वाइल्ड गार्डन जो ये बुक थी ये पब्लिश की गई थी। ठीक है, दो बुक का पूछा है 80 क्वेश्चन में, दो बुक के क्वेश्चन है, 4-5 हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 से 13 या 14 क्वेश्चन मेडिसिनल से है, तो एक थोड़ा रेशियो यहां पे बना है। ठीक है, आगे है बोनसाई में जो मैमेट टाइप का बोनसाई होता है, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, 9th क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ मैमेट टाइप जो बोनसाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, 5 से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसका ऑप्टिमम साइज है 5 से 15 सेंटीमीटर। आगे है स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का पूछा गया है कि फर्स्ट प्लान, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टाइल ऑफ गार्डन है जिसमें प्लान जो है वो पेपर पे बनता है, पहले एक पेपर के ऊपर प्लान बनाएंगे, पूरा एक रोड मैप बनाएंगे पेपर के ऊपर, फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मल में। अब देखिए अगर आपको इसका फीचर भी नहीं पते फिर भी आप इसे कंसेप्ट बेस, इसे लॉजिक बेस लगा पाओगे, कैसे कि इसके ऑप्शन में देखिए, पहली बात ऑप्शन 4 हैं 5 नहीं है। ठीक है, तो डीडीए के एग्जाम में आपको ये बेनिफिट है कि ऑप्ट करना इजी है। ठीक है, एलिमिनेट करना इजी है। यहां पे जो बची हुई तीन टर्म है ये इनकी एक ही बात है, फ्री टाइप, वाइल्ड टाइप, इनफॉर्मल टाइप, ये एक ही है और फॉर्मल इन तीनों में, इन चारों में हटके है, तो इसका राइट आंसर है फॉर्मल टाइप, और ये है फॉर्मल टाइप गार्डन के मेन फीचर। चलिए आगे चलते हैं।
आगे जो है ये जो क्वेश्चन है ये मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेडिसिनल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो सीना की जो लीफ होती है, कॉड होता है, सिनोसाइड सब्सटेंस जो है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और उसको सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, और वो है इंडिया। ठीक है, इसकी सीना टी भी बनती है, कुछ साइड इफेक्ट वगैरह भी होते हैं इसके, ठीक है। और ये जो है हमारा जो सिनोसाइड है ये यूज किया जाता है कॉन्स्टिपिटेशन में, और जो हमारी इंस्टेटाइन जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत पेट में, उसको एम्प्टी करने में यूज किया जाता है बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से पहले। तो मेडिसिनल प्लांट से क्वेश्चन है। यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से गार्डन को जेनेसिस ऑफ गार्डनिंग कहते हैं, तो वो कहते हैं ईडन गार्डन को, ईडन गार्डन को जेनेसिस ऑफ गार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। जो क्रिकेट के लवर होंगे उनको ईडन से कुछ, ईडन गार्डन से कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे ईडन गार्डन है वो अलग है, लेकिन ये क्रिकेट का ईडन गार्डन अलग है, लेकिन आप याद रख सकते हो कि ईडन गार्डन जो है वो उसे जेनेसिस ऑफ गार्डनिंग कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और पहला मैन जिसने एक कमर्शियल तौर पे, सॉरी, जिसने ऑर्नामेंटल ट्री को पहले ग्रो किया था, ठीक है, वो था एडम, और प्लांट को गार्डन में ग्रो किया था, ठीक है, जिसने ऑर्नामेंटल ट्री को और प्लांट को गार्डन में ग्रो किया था वो था एडम। चलिए आगे चलते हैं। आगे हार्मोन के ऊपर आईबीए के ऊपर डोज पूछी गई है कि रूटिंग इंक्रीज करता है, इसकी डोज कितनी होती है, वो होती है 2000 ppm पार्ट पर मिलियन, ठीक है। आईबीए का सबको पता होगा रूटिंग के लिए यूज होते हैं, इसका बेसिक पता होगा, लेकिन यहां पे डोज पूछी गई है, तो कुछ डोज वैल्यू भी पूछी गई है जो थोड़े टफ होते हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है, डोज बेस्ड भी क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन है। यहां पे नंबर ऑफ फ्लावर का पूछा गया है, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ फ्लावर का पूछा गया है कि हाउ मेनी फ्लावर पर स्क्वायर मीटर एरिया, ठीक है, स्क्वायर मीटर एरिया में एक गैबेरा पे होंगे अगर वो पॉली हाउस में ग्रो किया जाता है, तो कंडीशन है पॉली हाउस की, फ्लावर है गैबेरा, और ये जो है स्क्वायर मीटर एरिया में पूछा गया है कितने फ्लावर्स होंगे नंबर्स में, तो ये होंगे 200 एक स्क्वायर मीटर का एरिया में। इसकी पीएच होती है, इसको ऑप्टिमम चाहिए होती है 5.5 से 7, और इसका डे टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है वो होता है 22 से 25, और नाइट टेम्परेचर इसे चाहिए होता है 12 से 16, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है बुगनवेलिया की फैमिली पूछी गई है, ये है नाइस्टाजिनेसी, ठीक है। चलिए आगे जो है ये डोमोरफिटिया की पूछा है कि ये जो श्रब है ये किसके लिए अच्छी है, वो है बेडिंग और पॉट परपज के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पे एरेक्वेरिया कुकी जो है ये हाईली स्टेबल है प्लांटिंग में किस पर्पज के लिए, ठीक है, किस ग्रुप में, किस में यहां पे हाईली स्टेबल है, तो ये है स्पीसीमैन, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना एरुकिया कुकी, ये अपने आप में एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक स्पीसीज को यहां पे रिप्रेजेंट करता है, तो इसको एक स्पीस मतलब स्पीसीमैन एज ए कंसीडर किया जाता है, एक स्पीसीज कंसीडर किया जाता है प्रजाति। चलिए आगे है रोज वैरायटी का पूछा है मैरी निलनी, ठीक है, ये डेवलप की है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो यहां पे इंस्टीट्यूट का पूछा है, तो यह है IARI ने, IARI ने काफी वैरायटी मतलब डेवलप की है, ठीक है, मतलब काफी रोल रहा है, तो ठीक है, जो पहली है मतलब ये मेरिनली भीम हो गई, डॉक्टर बीपी पाल हो गई, जवाहर हो गई, रक्तागंधा हो गई, प्रिया दर्शनी हो गई, प्रेमा हो गई, तो काफी वैरायटी, मोहिनी हो गई, ठीक है, नीलंबरी हो गई, चंद्रमा हो गया, सदाबहार, ये सब वैरायटी यहां पे रिलीज की है। डॉक्टर बीपी पाल जो ICAR के पहले DG भी थे, ठीक है, ये इन्होंने रोज ब्रीडिंग की, ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर, और इन्होंने पहला जो हाइब्रिड है वो और उसकी वैरायटी जो इन्होंने पहले रिलीज की वो थी रोज शरबत। अब रोज की बात हो तो वहां पे डॉक्टर बीपी पाल का जिक्र होना लाजमी बनता है, तो वहां पे उनका जिक्र होगा ही होगा, तो इन्होंने रोज शरबत वैरायटी डॉक्टर बीपी पाल ने पहली रिलीज की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और की थी 1962 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर यहां पे देखा जाए यहां पे बी के रोया चौधरी, एक नर्सिंग मैन इन द संत प्रार्थना वाज पॉसिबली द फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर, अगर फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर की बात की जाए जिन्होंने, ठीक है, जो वैरायटी है डॉक्टर SD मुखर्जी 1935 में रेज की थी डॉक्टर SD मुखर्जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हाइब्रिड अशोकांदा का पूछा गया है ऑर्चिड में, ठीक है, कि ऑर्चिड का अशोकांदा जो हाइब्रिड है वो उसमें परसेंटेज किस किस की है, यहां पे इसने कंफ्यूज किया है, ठीक है, नाम से अगर लॉजिकल लगाएंगे तो तीन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक को एलिमिनेट आप कर पाओगे, वो इसे
जैसे देखिए ज्यादातर जो हाइब्रिड होते हैं उसका फर्स्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट ऐसे लिया जाता होता है ना, इसका ये देखिए ए ए और इसका देखिए ए ए, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे कंफ्यूज किया गया है। वांदा तीनों में है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो आती है एस्को सेंचुरम में, ठीक है। तो जो एस्को सेंचुरम है यहाँ पे वो उसका क्रॉस वांडा से कराया गया तो बना एस्को वांडा, ठीक है। और ये है मैन मेड हाइब्रिड ऑर्चिड, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्चिड है जो मैन मेड हाइब्रिड है, तो वो है एस्को कंडा, मैन मेड हाइब्रिड ऑर्चिड। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। इरिगेशन मेथड का पूछा है फ्लावरिंग क्रॉप में, तो वो है ड्रिप इरिगेशन, सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। आगे है, आगे पूछा गया है कि इनमें से डॉक्टर इंडोर गार्डनिंग में मोड पूछा है कि इंडोर गार्डनिंग में कौन सा मोड डॉक्टर नेंडिलियन वार्ड ने डेवलप किया था, वो किया था टेरेनियम, ठीक है। जो टेरेनियम जो था ये था कि एक सेल्फ कंटेनर में उसके अंदर ये वाले प्लांट को उगाना, ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड टेरेनियम, ठीक है। तो ये जो थे ये एक ग्रेट लवर थे गार्डनिंग के, डॉक्टर नेंडिलियन वार्ड, और टेरेनियम वार्ड इन्होंने दिया था ग्लास के अंदर प्लांट को उगाना, इसे कहते हैं टेरेनियम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये एक्ट का पूछा गया, यहाँ पे ऑर्डर का पूछा गया है, ठीक है। ये 1989 में था, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ द सीड प्लांट, सीड प्लांटिंग, प्लांटिंग कोई भी ऐसा मतलब प्रोपोगेशन का कोई भी सीड से रिलेटेड है, ये रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, द प्लांट फ्रूट सीड रेगुलेशन इम्पोर्ट ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। एफसीओ तो वैसे भी नहीं इसमें आने वाला, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पैटर्न वैसे भी नहीं आने वाला। आगे है कार्डियोटोनिक का पूछा गया, कार्डियोटोनिक बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फेवरेबल इफेक्ट करे हमारे हार्ट के, फेवरेबल इफेक्ट की बात हो रही है, फेवरेबल का मतलब है कि अच्छा इफेक्ट करे, मतलब अगर जैसे हमारा हार्ट का काम क्या होता है पंपिंग का, है ना, तो अगर हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे, ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाए, ब्लड की सप्लाई रुक रही है, तो उसके लिए कार्डियोटोनिक यूज किए जाते हैं फेवरेबल इफेक्ट के लिए। तो यहां पे राइट आंसर है डिजिटली, तो हर टाइप का क्वेश्चन है। फ्रेंच मैरीगोल्ड एक्चुअल में डिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड है, ट्राइप्लॉयड है, क्या है, तो ये है डिप्लॉयड और इसके क्रोमोसोम नंबर है 2N=48, 48, ठीक है। आगे फंजीसाइड का पूछा है, ठीक है, प्रिवेंट करती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट का पूछा है, कंट्रोल का नहीं पूछा है, ठीक है, या प्रिवेंट मतलब उसका अफेक्ट, मतलब अफेक्ट होने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लिया जाए एडवांस में, प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये डाइबैक डिजीज रोज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये की जाती है रोज पेंट के द्वारा, ठीक है। पहली जो डाइबैक डिजीज थी इंडिया में ये दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुई थी 1961 में, ठीक है, और ये मॉनसून के सीजन में सबसे ज्यादा सीवियरिटी में होती है किस में, और ये 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा फैलती है, हाई ह्यूमिडिटी में सबसे ज्यादा फैलती है, ऑब्वियसली बात अगर मॉनसून है तो हाई ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। क्राइसेंथेमम ग्रुप का पूछा गया है यहाँ पे कल्टीवर, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप है जो गार्लैंड के लिए और वेनी ब्रैकलेट्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है स्प्रे टाइप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वैरायटीज जो होती है वो यूज की जाती है कट फ्लावर के लिए क्राइसेंथेमम में, और स्प्रे वैरायटी जो होती है वो लूज फ्लावर के लिए, गार्लैंड के लिए, स्टाइलिश अरेंजमेंट के लिए यूज की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा गया हमें गार्लैंड पर्पज के लिए, तो स्प्रे टाइप वैरायटी जो है वो राइट आंसर है क्राइसेंथेमम में। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी मेडिसिनल प्लांट में आएगा, ये क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का पूछा है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट कहां पे है, तो ये है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड है, तो मेडिसिनल प्लांट में भी पेपर ने काफी रोल प्ले किया था, 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्लांट मेडिसिनल प्लांट जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, तो उसका राइट आंसर है विधानिया सोमनीफेरा, ठीक है। और अगर हाइपरटेंशन की बात हो रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए राउगोल्फिया सरपेंटाइन का यूज होना चाहिए, ठीक है, होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पल्सिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ग्लेडियस में पल्सिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्पाइक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ग्लेडियस की यहां पे पल्सिंग में पूछा गया है, ठीक है, और इसमें पूछा है कि ऑप्टिमम सुक्रोज का कितना परसेंटेज होगा, तो वो होगा 20% पल्सिंग। पल्सिंग क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होता है जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने में काम आता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है क्राइसेंथेमम का प्रोपोगेशन मेथड पूछा है, कौन सा है, टर्मिनल बड, क्राइसेंथेमम को टर्मिनल बड से जो है प्रोपोगेट किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब प्लांट है जो इंडोर फ्लावरिंग, ठीक है, पॉट प्लांट, चाहे पॉट प्लांट बोल दो चाहे इंडोर फ्लावरिंग बोल दो, एक ही बात है,
उसमें श्रब को यूज किया जाता है, तो कौन सी ऐसी श्रब है, तो वो है बिलोपिरोन, ठीक है, ये वाली। तो ये अपने आप में गमले में पड़ी है, पॉट में पड़ी है, ठीक है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, रिपीट हो गया। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि रोज का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो वो पाया जाता है रोज हिप्स में, ठीक है। तो विटामिन सी की काफी इंपॉर्टेंस होती है, ये रोज हिप्स में पाया जाता है, ये वाले रोज हिप्स, ठीक है, फ्लावर ओपन होने से पहले का। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है कामिनी एंड शशांक जो न्यूली डेवलप्ड कल्टीवर है, वो कौन इनमें से किसके हैं, तो वो है चाइना एस्टर के, चाइना एस्टर के ये वाले दो कल्टीवर हैं, इंपोर्टेंट कल्टीवर हैं। आगे ये यहां पे काइलेक्स पिल्टिंग का है, ठीक है, कि किससे रिलेटेड है, ये है कार्नेशन से। इससे क्या होता है कि जो उसका पॉड होता है वो स्पिल्ट हो जाता है, उसका मतलब जैसे कॉटन में स्पिल्टिंग होती है वैसे ही कार्नेशन में स्पिल्टिंग होती है। तो इसे एक 6 mm का वाइल्ड अगर क्लियर प्लास्टिक हमारे पास टेप है या एक रबड़ बैंड है, उसे हम इससे का कंट्रोल कर सकते हैं, उसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब एक रबड़ का मतलब रबड़ से या प्लास्टिक बैंड से इसे बांध के इस पिल्टिंग को हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्नेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है गर्बेरा का, यहाँ पे लोमी सोयल में उसकी पीएच पूछा है, वो है 6 से 6.5, ठीक है। ये वैसे भी एलिमिनेट हो रहे हैं दो ऑप्शन, तो 3.5 से 4.5 और 9 से 2, तो ये दो में अगर लगाना हो 50% पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वैसे भी 4 ऑप्शन है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो 6 से 6.5 राइट आंसर है इसका। एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा एक्सिस इज पावरफुल इन, समझे, यहाँ पे पावरफुल इन पूछा गया है, मतलब ये नहीं है कि एक्सिस इज यूजफुल इन, ठीक है। मतलब एक्सिस क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो दो चीजों को एक चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करे, जैसे ये है, ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसे भी हो सकती है, समझे मेरी बात, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करेगी एक पॉइंट, ठीक है, और ये पावरफुल है यहां पे, तो ये है इंग्लिश गार्डन में, इंग्लिश गार्डन में ये पावरफुल होती है। यूजफुल तो सब में होगी, क्योंकि एक्सिस तो चाहे फाउंटेन्स की बने, ठीक है, कोई लाइन, चाहे कोई ट्री की लाइन बने, ठीक है, चाहे मतलब एक हारमोनी बन रही है ट्री की, ठीक है, चाहे कोई पाथ बन रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, एक्सिस तो हर टाइप के गार्डन में आएगी, लेकिन पावरफुल किस में है, इंग्लिश टाइप गार्डन में, पावरफुल याद रखिएगा, ठीक है, यूज हर में होगी, पावरफुल इंग्लिश गार्डन में, ठीक है। तो चाहे ये स्ट्रेट टाइप है, चाहे बेंडिंग टाइप है, चाहे डिफ्लेक्टेड टाइप है, चाहे ये डाइवर्जेंट टाइप है। आगे है नीम की फैमिली पूछी गई है, मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में ये आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट में। अजाल्टिका इंडिका का पूछा गया है फैमिली, वो है मिलियसी। आगे चलते हैं, ठीक है, 40वां क्वेश्चन है एंटीगोन लिप्टोपस, यहां पूछा गया है कि फ्लावर जो है वो सितंबर अक्टूबर में कौन से कलर का होता है, तो वो होता है पिंक। इसकी जो फैमिली है वो है पॉलीगोनेसी और ये पेरिनियल है, ठीक है, मेक्सिको इसका जो है वो है ओरिजन। इसको कोरोलिता या बी बुश या सैन मिगुलिता वाइन या कोरल वाइन भी कहते हैं, ठीक है, और ये पिंक और व्हाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर में पिंक कलर के होते हैं। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर का, फ्लावर का, टाइम का, पीरियड का, पीएच का, फैमिली का, हर टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है कि डिस्टेंस प्लांटिंग कितना होगा पॉलीएंथस रोज में, प्लांटिंग स्पेसिंग पूछी गई है, तो 45 सेंटीमीटर होगा पॉलीएंथस रोज, ये वाला रोज। रोज के कई टाइप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फ्लोरी कल्चर बिल्कुल डेप्थ में पूछा गया, पूरा का पूरा फ्लोरी कल्चर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स है। तो एक इसमें अच्छी बात है और एक इसमें बुरी बात है, मैं दोनों ही एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी बात क्या है कि अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हो, है ना, तो यहां पे क्या है कि सिलेबस फिक्स है, ठीक है, जो सिलेबस है वो फिक्स है, ठीक है। मतलब अगर मेहनत करोगे, राइट मेहनत करोगे, तो यहां पे आपको जॉब लगना इजी होगा, आपको आसानी होगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और बुरी बात यह है कि थोड़ा मतलब कह दोगे जैसे साउथर्न पार्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कोई पोस्ट यूजफुल नहीं है, ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है, ईस्टर्न ये जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए यूजफुल नहीं है, उड़ीसा वगैरह के स्टूडेंट हैं, तेलंगाना वगैरह के, तो ये जो दिल्ली के नज़दीक हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है, दोनों ही है।
तो लेकिन क्या है कि अगर मेहनत करोगे तो यहाँ पे आपको जो फल है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन है कम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको फेल तो कर देंगे लेकिन एग्जाम देने कम पहुंचेंगे, क्योंकि ना तो किसी को ये पता है कि ये एग्जाम कब होगा और ना किसी को ये पता है कि जो है मतलब इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि 3 साल बाद बाद हुआ है। तो एक अंदर से जो तैयारी करेगा वो एक कम स्टूडेंट होगा, बहुत कम होंगे। फॉर्म बहुत भरे जाएंगे लेकिन पेपर देने कम जाएंगे और आगे भी सीरीज कम होंगे। तो कहां कहीं ना कहीं एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट के लिए ये पेपर सही है। चलिए आगे चलते हैं। येलोइंग पूछा है, लॉन की कैसे होती है? वो होती है वाटर लॉगिंग से येलोइंग होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं होती है, रुक जाती है रूट तक। ठीक है, पानी की वजह से सोयल के पोर्स में पानी भर जाता है और लॉन की जो हमारा लॉन है उस वो पीला हो जाता है, येलोइंग हो जाती है। बुगनविलिया कल्टीवर जो अर्जुना है, ठीक है, वो म्यूटेंट है पार्था का, इवॉल्वड बाय गामा रेज 250 रेडियस। ठीक है, 250 रेडिएशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा मेडिसिनल प्लांट का, फिर जिसे सेकंड शिलाजीत कहते हैं, ठीक है, वो है सफेद मूसली। तो मेडिसिनल अगर पूछे हैं तो मेडिसिनल में इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। एक बार देखिएगा, फ्लोरिकल्चर में डेप्थ में जा रहा है। अगर पेपर को सही से एनालिसिस करके आप स्टडी शुरू करो तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप 80 में से 50-60 तो इजीली ले पाओगे। यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, कि कॉर्म्स और कॉर्मल ऑफ ग्लेडियस, ग्लेडियस के जो कॉर्म्स और कॉर्मल्स है, ठीक है, उनकी जो डॉर्मेसी ब्रेक करनी है 3 से 4 महीने में कितने टेम्परेचर पर होगी? तो वो होगी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 4 महीने में। आगे चलते हैं। ठीक है, इन अजालिया फ्लावर इनिशिएशन जो है, ठीक है, वो फोटो पीरियड से स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है कि कंट्रोल करने के लिए हम किस ग्रोथ रिटार्डेंट की स्प्रे करेंगे? तो वो करेंगे साइकोसेल की 2500 पार्ट पर मिलियन पीपीएम डोज यूज करेंगे। तो यहां पे डोज भी साथ में दिया गया है। ठीक है, नाम भी पूछा है ग्रोथ रिटार्डेंट का और साथ में डोज भी पूछा गया है। अगली बात करेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा है सीड प्रोडक्शन का इन क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर क्रॉप। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन पूछा है, तो सीधा सीधा देखिए 1000, ठीक है, मीटर, 1 किलोमीटर। वैसे भी याद रखिए 1 किलोमीटर एक एग्जैक्ट नंबर है। 48वां क्वेश्चन है यहां पे पूछा है कि आइडियल ऑर्नामेंटल वर्ड यूज हुआ है, आइडियल, एक आइडियल ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि ड्वार्फ ऑर्नामेंटल हेज पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। वैसे ड्वार्फ ऑर्नामेंटल हेज के लिए कोई और भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो आइडियल माना जाता है वो होता है अकालिफा स्पीसीज, ये वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है, मेडिसिनल कैटेगरी में है, कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब प्लांट है जिसकी गम, पहले तो गम आते ही आपका 2-3 तो इसमें आप नेगलेक्ट कर जाओगे। ठीक है, गम रेसिन जो है वो जो ब्लड में हमारा कैस्ट्रॉल होता है, हमारे ब्लड में कैस्ट्रॉल लेवल होता है, उसको रिड्यूस करने में काम आता है, तो वो होती है गूगल। ठीक है, गूंद जो होती है। आगे चलते हैं। यहां पे पूछा गया है कि जो श्रब वाला एरिया होता है गार्डन में, जहां पे श्रब्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रब बेरी। ठीक है, उसे श्रब बेरी कहेंगे। आगे फिर इकाबाना का फीचर है ये, ठीक है, कि शिन शुई है के, ये पहले भी वहां पे एक्सप्लेन किया गया स्टार्टिंग में। तो ये जो है, ठीक है, ये किसके फीचर है ये इकाबाना के? तो कहीं ना कहीं ये जो इंपोर्टेंट टर्म है उनका ही ये घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में डेप्थ में जा रहा है। आगे वैरायटी का पूछा, वैरायटी काफी पूछी गई है, कि बेगम अली यजर जंग जो वैरायटी है ये किसकी है? ये बुगनविलिया की वैरायटी है। ठीक है, तो आगे 55 नंबर क्वेश्चन है कि सीड रेट जो है चाइना एस्टर का 1 हेक्टेयर के लिए, देखिए चाइना एस्टर का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चाइना एस्टर के ऊपर पहले इसके कल्टीवर पूछे गए थे, अब इसका सीड रेट पूछा गया है। ठीक है, तो सीड रेट टेम्परेचर यहां पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है सीड रेट, तो 1 हेक्टेयर में जो सीड रेट होता है चाइना एस्टर का वो होता है 2.5 से 3, और इसका जो फैमिली होती है वो होती है एस्ट्रेसी, नाम से ही है, एस्टर है। ठीक है, जो इसकी पीएच से चाहिए होती है प्रेफरेबल वो 6 से 7, और ये 30 से 45 दिन ओल्ड सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांटेबल के लिए रेडी होता है, और इसकी स्पेसिंग 120 x 60 x 10। ठीक है, और जो इसका प्रेफरेबल टेम्परेचर होता है वो दिन में होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये डिग्री है, और नाइट में होना चाहिए 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 60%। चलिए आगे है, आगे बोटानिकल नेम पूछा है लिक्विरिस का और मलट्ठी। मलट्ठी आप सबने किसी ने मतलब खाई ही होगी। ठीक है, तो अपना जो गला होता है उसके स्वर के लिए, स्वर को जो और सुंदर बनाने के लिए मलट्ठी आम लोग खाते हैं।
ठीक है, मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में है मलट्ठी। तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा है ग्लाइरिजिया ग्लबरा, ठीक है, जी जी वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि देखिए इसे वैसे भी याद रख सकते हो कि जैसे कोई जी जी बोलता है ना, ज्यादा जी लगाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि बड़ा ही प्यार से बोलता है, बड़ा ही जो स्वर है उसका सुंदर होता है, स्वर मतलब जो है वो प्यारा है। तो यहां पे देखिए इसका साइंटिफिक नेम भी देखिए, जी जी ऐसे याद रखिएगा मलट्ठी को, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। और प्राचीन काल में जो मतलब ट्रेडिशनली जो ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं वो अपने गले को मतलब ठीक करने के लिए मलट्ठी का यूज करते थे। वैसे भी अगर आपका गला खराब है तो मलट्ठी खा लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। इसकी फैमिली जो है वो है फैबेसी, एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फैबेसी फैमिली इसकी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे फेरी रिंग डिजीज। रिंग डिजीज देखिए, ये रिंग टाइप डिजीज, वॉर्म टाइप डिजीज, ये सब फंगस के रिलेटेड होती है, तो इसके नाम से ही पता चलना चाहिए। और ये इस टाइप की लॉन में डिजीज होती है और ये फंगस से होती है। तो पैथोलॉजी का यहाँ पे एक क्वेश्चन और एंटो के भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है। आगे टपोरी के ऊपर क्वेश्चन है कि प्लांट को स्टैचू, बर्ड, एनिमल की शेप में देने को क्या कहते हैं। कोई भी प्लांट है उसको स्टैचू बना दिया, जैसे ये वाला, ठीक है, बर्ड बना दिया, ये प्लांट के ही बनाए गए हैं, ठीक, हेलोफुल, बहुत ही प्यारा ये स्टैचू है, ठीक है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं टपोरी। इंडिया में नेहरू, सॉरी कमला नेहरू पार्क जो है, ठीक है, मुंबई में है और फेमस है टपोरी वर्क के लिए। ये पार्क को नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पार्क है ये अपने आप में टपोरी वर्क के लिए फेमस है और पूरे इंडिया में इस पार्क का काफी नाम जाना जाता है, काफी जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। तो कमला नेहरू पार्क इन मुंबई टपोरी वर्क के लिए फेमस है। चलिए अगला चलते हैं, ग्लेडियस हाइब्रिड का पूछा है यहां पे कि ग्लेडियस का जो अप्सरा हाइब्रिड है, ठीक है, उसकी स्पाइक की लेंथ कितनी होती है। मैंने पहले बताया कि ग्लेडियस में स्पाइक की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्लेडियस जो है ये स्पाइक जो इसकी लेंथ होती है उसके रिलेटेड ही ये मतलब इसकी हार्वेस्ट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट में वैल्यू है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ये अप्सरा है ये ब्लैक जैक का और फ्रेंडशिप का क्रॉस है, ठीक है, ब्लैक जैक का और फ्रेंडशिप का क्रॉस है। और इसका राइट आंसर है 97 सेंटीमीटर, क्योंकि जो अप्सरा है इन सब में से देखिए सबसे हाईएस्ट इसके ग्लेडियस की जो स्पाइक है वो 97 जो सेंटीमीटर है वो होती है, और यही एग्जाम में पूछा गया। देखिए इससे अप्सरा है 97 सेंटीमीटर, अग्नि जो रेखा है 90 सेंटीमीटर, और जो अर्चना है 80, अरुण 80, और मनमोहन 80, मनोहर 80, मीरा 90, ठीक है, मुक्ता 70। तो ये सब चीजें आगे और भी हैं, मतलब आगे इससे ज्यादा भी बड़ी आपको मिलेंगी, कम भी मिलेंगी, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहां पे बेस्ट प्लांटिंग टाइम पूछा है ग्लेडियस का नॉर्थर्न प्लेन में, ठीक है, तो यह है सितंबर से अक्टूबर। चलिए आगे चलते हैं, आगे यहां पे वायलेट कलर फॉलिएज, फॉलिएज का पूछा, जो लीव्स होती हैं, फॉलिएज होती हैं, उनका वायलेट जो कलर होता है वो किन इनमें से किसका होता है, तो वो होता है गाइनूरा ओरोन्थिया, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम भी पूछे गए हैं। आगे फिर ग्लेडियस की स्पाइक की बात आ गई, तो ग्लेडियस की स्पाइक का ही अगर देखें तो दो तीन क्वेश्चन ग्लेडियस की स्पाइक के ऊपर है। तो अगर मतलब जो स्टूडेंट फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड है ना, उसको तो इन सब क्वेश्चन की इंपोर्टेंस पता होगी, है ना, लेकिन अगर आप फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो मेहनत है वो थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे बात नहीं है, पेपर जो है वो एक ईजी भी है और थोड़ा टफ भी है, दोनों बातें ही कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल टू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये पूछा है डिस्टेंट टाइप मार्केट, तो दो टाइप की मार्केट है, एक डिस्टेंट टाइप की, ठीक है, और एक मार्केट है लोकल टाइप की मार्केट, ठीक है। अब अगर डिस्टेंट टाइप क्या है, तो हम हार्वेस्ट करेंगे उसकी जो ग्लेडियस की जो मतलब स्पाइक है उसकी राइट स्टेज होगी हार्वेस्ट करने की, जब उसके जो लोअर मोस्ट फ्लोरेट हैं वो कलर शो करना शुरू कर देंगे, जो लोअर मोस्ट फ्लोरेट होंगे वो कलर शो करना शुरू कर देंगे, तो उसे हार्वेस्ट कर लेंगे डिस्टेंट टाइप की मार्केट के लिए। लेकिन अगर लोकल मार्केट है तो हम उसे फुल्ली ओपन पे फ्लोरेट, जब तक उसके जो मोस्ट ऑफ द पेयर हैं फ्लोरेट के वो फुल्ली ओपन होंगे, फिर जाके हम उसे लोकल मार्केट में लेके जाएंगे, हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट नजदीक है, डिस्टेंट मार्केट दूर है, सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे रेड कलर की वैरायटी का पूछा गया है कि एंथूरियम की जो है वो रेड कलर की वैरायटी कौन सी है, वो है ओवो क्लोदिया। यहां पे रेड कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर, पिंक, ग्रीन, बायो कलर, अदर सब यहां पे मिलेंगे आपको। यहां पे जो एंथूरियम होता है ये एक हर्ट शेप होता है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका जो लीफ होती है वो हर्ट शेप होती है, इसके जो पत्ते होते हैं वो हर्ट शेप होते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप्स हैं, ठीक है,
तो हो सकता है कि आपको ये थोड़े से ज़्यादा लग रहे हों, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो आपको 80 से 80 क्वेश्चन टारगेट नहीं करने हैं, तो कम से कम आप 50 से 60 क्वेश्चन का इस पोर्शन में से टारगेट लेके चलिए, ठीक है। तो ईजी भी क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेजेंट में कौन सा ऐसा स्टेट है जो फ्लोरिकल्चर का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है। अब देखिए ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसने किया है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, और सबसे ज्यादा मतलब जो है ये पहले मेडिसिन में एक का पूछा गया था शायद, ठीक है, पहले तो यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का पूछा है। फ्लोरिकल्चर में कर्नाटका, उम्मीद करूंगा आप सबको पता होगा। पिंचिंग का पूछा है, इज रिक्वायर्ड इन टर्म, देखिए रिक्वायर्ड पूछा है, कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए वैसे पिंचिंग आप किसमें भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड है मतलब एसेंशियल है, मतलब जरूरी है, करनी पड़ेगी, तो वह है दहलिया, दहलिया में। आगे चलते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे टॉप ड्रेसिंग का पूछा है कि कौन से मंथ में लॉन की टॉप ड्रेसिंग होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अर्ली समर में, लेट स्प्रिंग में। तो लेट स्प्रिंग के और अर्ली समर के जो मंथ होते हैं वो होते हैं फरवरी टू मिड मार्च टू मतलब 20 मार्च या यहां तक आप कह सकते हो। तो यहां पे देखिए फरवरी, दिसंबर वैसे भी विंटर है, जुलाई वैसे भी हमारा जो है समर है, ठीक है, तो अप्रैल है, यहां पे बैसाखी आ जाती है तो समर यहां पे शुरू हो जाती है। तो यहां पे जो है अगले क्वेश्चन में ऑप्टिमम लाइट रिक्वायरमेंट पूछा है वांदा जनेरा ऑफ ऑर्चिड का, ठीक है, ऑर्चिड जो है, ठीक है, इसमें वांदा जनेरा का पूछा है, वांदा और अरांदा दोनों ही है ये, इनको सबसे ज्यादा चाहिए होती है, और इनको चाहिए होती है 800 फुट कैंडल लाइट रिक्वायरमेंट इनकी होती है। आगे टेम्परेचर का पूछा है कि इंडोर जो प्लांट है, ठीक है, जो इंडोर प्लांट है पॉट टाइप जो इंडोर गार्डनिंग है, उसमें आइडियल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 15 से लेके 21 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आगे है ये मेडिसिनल प्लांट में ही फैमिली का पूछा गया है सफेद मूसली का, तो यहां पे सफेद मूसली का मतलब जो है फैमिली पूछी गई है और वो है एस्परेगेसी। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पे पूछा गया है कि बोनसाई, देखिए यहां पे द ऑब्लिक स्टाइल ऑफ बोनसाई इज आल्सो नोन एज, तो ये इसे हम कहते हैं शकान, ठीक है। अब देखिए ये वाला होता है स्टाइल बोनसाई, बोनसाई बहुत टाइप के होते हैं, 10 से 12 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसे ऑब्लिक या मतलब लर्निंग ट्रंक स्टाइल या शकान भी कहते हैं, ठीक है। और बाकी अगर देखे ब्रूम टाइप बोनसाई देखे तो ये देखे ब्रूम जैसे, ये तो मेरे ख्याल से एक पेड़ का पूरा पूरा मतलब शेप है, ठीक है। अगर आप फॉर्मल अपराइट देखोगे तो ये देखो बिल्कुल फॉर्मल अपराइट बोनसाई जिसे चौकान भी बोलेंगे, ठीक है, और स्लेंटिंग बोनसाई शांकान जो अभी हमने देखा है, ठीक है। इनफॉर्मल में देखोगे तो कोई ऐसा मतलब फॉर्मल नहीं, उल्टा है, ये इनफॉर्मल टाइप है, ठीक है, इसे मोएगी भी बोलेंगे। आगे अगर देखेंगे कैस्केडे बोनसाई देखेंगे तो ये वाला बोनसाई, ठीक है, ये क्या है कि जो मतलब इसे कैनगाई बोलेंगे, सेमी कैस्केडे को बोलेंगे, तो ये देखिए ये पूरा है, ये सेमी है, ये आधा है, ठीक है, नाम से देखिए इसे, इसे हान कंगई बोलेंगे, इसे कंगई और इसे हान कंगई, ये पूरे ही मतलब वैसे तो कोर्स में जो हम गुरुकुल का कोर्स है उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को, हर टाइप की मतलब वैल्यू पूरा मतलब रिसर्च के साथ आप लोगों को देंगे, ताकि आपको कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन मिले और जो आउटपुट है वो आपकी अच्छी आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये भुजंगी, भुजंगी, ठीक है, यहाँ पे ये लिटरेटी बोनसाई स्टाइल है। एक्चुअली जो भुजंगी, भुजंगी एक्चुअली वर्ड जो होता है ये इसका मीनिंग होता है सांप, स्नेक इसका मीनिंग होता है, भुजंग, भुजंग एक मतलब एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, इसे इसका मीनिंग होता है सांप, स्नेक, ठीक है। तो ये जो है ये एक इस टाइप का, देखिए यहाँ पे एक सांप के फन के टाइप का बोनसाई है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है ये है विंड वेप्ड बोनसाई, ठीक है, विंड वेप मतलब एक साइड में ऐसे मतलब विंड वेप जो है, ठीक है, और इसे फ्लंकेंगेसी भी बोलेंगे। आगे है डबल ट्रंक है, मतलब दो ट्रंक है, ठीक है, मल्टी ट्रंक है, मल्टी ट्रंक है, ठीक है, मल्टी है इसके ट्रंक, ठीक है। आगे जो है वो फॉरेस्ट या वुड लैंड बोनसाई बोलेंगे, जिसे वॉश यू बोलेंगे, ठीक है, जैसे ये फॉरेस्ट मतलब काफी टाइप के यहाँ पे पेड़ है। आगे जो है ये रॉक स्टाइल बोनसाई है, मतलब इसमें रॉक भी होगी, ठीक है, ग्रोइंग ऑन रॉक बोनसाई, ठीक है, इसे सेकी जुजू भी बोलेंगे, जुजू, ये सब जो है ये जैपनीज टर्म है, ठीक है। तो आगे जो है ये है हमारा इशुशुकी, ठीक है, ये वैसे रॉक वाला है लेकिन इसमें रॉक जो है वो ज्यादा है, राफ्ट, राफ्ट बोनसाई, ठीक है, राफ्ट में देखिए ये, देखिए ये वाली राफ्ट, वैसे मतलब जो लोग राफ्टिंग का शौकीन रखते होंगे उसे पता होगा राफ्ट का, ठीक है, पानी में काफ़ी मतलब अगर आप हॉलीडे वगैरह एंजॉय करने जा रहे हो तो राफ्टिंग एक अच्छा मतलब
इंजॉयबल होती है, ठीक है। तो इसे अकादाबुकी भी कहते हैं, इकादाबुकी, ठीक है, ये जैपनी टर्म है। तो ये हुई राफ्टिंग। आगे है शारी बोनसाई, ठीक है, शारी मिकी। तो ये वाला जो है ये वाली ऐसी है, और इसके पीछे पीछे ऐसा एक वाइट सा पोर्शन भी है, ठीक है। तो ये हुए हमारे बोनसाई, और भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का पूछा है कट फ्लावर का, नीदरलैंड। तो तीन चार क्वेश्चन यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए 70वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच ऑफ द फर्स्ट प्लांट क्लोन्ड बाय द टिश्यू कल्चर और ऑर्चिड। ये मेरे ख्याल से बेसिक क्वेश्चन आपको पता भी होगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जो है वो बनाना और टिश्यू पर्पज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और जो फ्लावर्स में है मतलब ये ऑर्चिड मतलब सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट प्लांट और सबसे ज्यादा ऑर्चिड में ही यूज की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ द लैंटर्न एंड फाउंटेन इन द मेन फीचर। तो ये मेन फीचर पूछा है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड पूछा है। तो ये मुगल गार्डन का होता है, ताजमहल वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ताजमहल को देख के ये चीजें याद आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इनफॉर्मल एजिंग इज मेड फ्रॉम, ठीक है। तो यहां पे इनफॉर्मल एजिंग का पूछा हुआ है, ठीक है। अब एज क्या होता है, मतलब कोई भी एक ऐसा मतलब जैसे हम पॉट से कोई भी एज बना देते हैं, तो ज्यादातर इनफॉर्मल जो एजिंग होती है, इनफॉर्मल गार्डन में जो होती है, ठीक है, वो प्लांट से बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल होती है, कभी भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये एज उठा के हम ये तीनों उठा के इसका यहां पे एज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट से ज्यादातर, प्लांट से, पॉट से हम ज्यादातर इसे बनाते हैं। और मेन जो इसमें यूज की जाती है इनफॉर्मल एजिंग में, वो गर्बेरा यूज किया जाता है और या एमेरिलिस यूज किया जाता है, ठीक है। ये दो प्लांट यहां पे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा गया है, ठीक है। लैंडस्केपिंग का प्रिंसिपल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी भी है और थोड़ा सा डीप में है, लेकिन इसने पूछा क्या है कि इसमें प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो बैलेंस है ये भी प्रिंसिपल है, सिंपलिसिटी प्रिंसिपल है, एशेंट भी प्रिंसिपल है, ठीक है। ये इसके प्रिंसिपल है, जो लाइन है ये एक एलिमेंट है। तो लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में आपको एलिमेंट कौन कौन से हैं वो याद रखने होंगे, ठीक है। जो प्रिंसिपल है ये याद रखने होंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर बेसिक याद रखना है तो, अगर सारे रट्टा मारना है तो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक याद रखना है तो याद रखिएगा प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है और एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दोनों का अगर आपको मीनिंग पता चल गया, अब देखिए अगर सिंपल सिटी है, अब सिंपल सिटी कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, हमेशा देखिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर सिंपल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एक सिद्धांत है, ठीक है। कोई भी एक नेचुरल ब्यूटी है उसकी, वो एक बड़ी सिंपल नेचुरल ब्यूटी है, तो वो एक सिद्धांत है, वो एक प्रिंसिपल है, वो एक एलिमेंट नहीं है। अब लाइन देखिए, लाइन अगर हम खींचेंगे तो वो क्या है, एक एलिमेंट है। लाइन हम किसी का बनाएंगे, हम फाउंटेन की बनाएंगे, पेड़ की बनाएंगे, या मानिए कि पत्थरों की बनाएंगे, रॉक की बनाएंगे, तो वो क्या है, एक एलिमेंट है। कलर देखिए, कलर क्या है, कलर कभी प्रिंसिपल नहीं हो सकता, कलर क्या है, एलिमेंट है। टेक्सचर देखिए, टेक्सचर से तो वाकिफ ही हो गए, सोयल टेक्सचर वगैरह, ठीक है। तो टेक्सचर किसी का भी, किसी भी टाइप का, रफली है, स्मूथली है, कैसे भी टेक्सचर है, तो वो एक एलिमेंट है। अब प्रिंसिपल में देखिए, थोड़ा प्रिंसिपल में आ जाइए, अभी यूनाइटी, हारमोनी, एक जैसा जा रहा है बिल्कुल, यूनाइटी काफी चीजों का एक यूनिट है। बैलेंस बना रखा, वर्ड देखिए कैसे यूज हो रहे हैं, प्रपोर्शन, स्केल, एशेंट, फोकलाइजेशन, रिदम, वर्ड देखिए, और यहां पे देखिए हैबिट, ठीक है, फॉर्म, लाइट, स्पेस, वॉल्यूम, मोबाइलिटी, स्टाइल, ये सब चीजें हैं। तो ये एलिमेंट से रिलेटेड है, ये प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो अगर आपको इन सब का, इनमें देखिए, इनमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फ्लो नजर आता है, पूरा का पूरा एक चीज नजर आती है। जैसे अगर सिंपल सिटी में देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि कोई भी चीज काफी सारी चीजों की मिला के उसे सिंपल सिटी मतलब हम बोलेंगे कि ये एक बड़ी चीज सिंपल है। लेकिन लाइन तो हम किन्हीं चीजों की बनाएंगे ना, ठीक है, कलर तो कोई ना कोई कलर होगा, टेक्सचर तो चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, तो ये एलिमेंट है और ये प्रिंसिपल है। तो यहां पर नॉट पूछा था, और लाइन क्या है, लाइन एक एलिमेंट है। तो रट्टा मत मारिएगा, वैसे भी देख लीजिएगा, अगर आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे यूज किया जाता है ग्राउंड कवर के लिए हैविंग ग्रीन कलर फॉलिएज। इसकी ग्रीन कलर फॉलिएज है और इसे जो है ग्राउंड कवर के लिए यूज किया जाता है। ये है कोफिया गर्लोनिका। अगर आप मतलब इसका नहीं पता है लेकिन ऑप्ट करना चाहते हो तो यहां से साइंटिफिक नेम गर्लोनिका से एक प्रनाउंस हो रहा है ग्रीन, मतलब तो यहां से अगर आप कर सकते हो, वैसे तो यहाँ गुलिडाना भी है तो ऐसा कुछ लॉजिक मतलब ज्यादा है नहीं है इसमें, लेकिन अगर 50% पे आपने रिस्क लेना है तो इस टाइप में आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं मतलब लेना चाहिए तो अच्छी बात है। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो क्यों आप रिस्क ले रहे हो जब 50% पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 76th क्वेश्चन। इसमें ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर पूछा है पल्सिंग का 20 से 27 डिग्री। पल्सिंग क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया। आगे है एविज एप्रॉन इज अ कॉमन नेम ऑफ, ठीक है। अब एविज जो एप्रॉन है इसका कॉमन नेम किसका है, ये है फिकस रॉक्सीबुर्गी। फिकस रॉक्सीबुर्गी का ये कॉमन नेम है और एवी एप्रॉन को हिंदी में हम बोलते हैं तमिला या तिरमिल, या तिरमिल या तमिला, ठीक है। तो हिंदी नेम भी याद रखिएगा। आगे है मेडिसिनल से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी, तो मैं मेडिसिनल से आपने देखा काफी क्वेश्चन का रोल प्ले रहा है, लेकिन मेडिसिनल से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहे हैं और बेसिक क्वेश्चन रहे हैं, एक मतलब फ्लोरिकल्चर की तरह डेप्थ में नहीं पूछा है। तो एग्जामिनर का देखिए मतलब कहीं ना कहीं यहां पे पेपर बड़ा सही सेट किया था, ठीक है। तो यहां पे देखिए नार्कोटिक जो क्रॉप का पूछा है कि इनमें से नार्कोटिक क्रॉप का, तो नार्कोटिक जो क्रॉप है वो है पॉपी, पॉपी मतलब ओपियम, ठीक है, पॉपी ओपियम, ठीक है, ओपियम नार्कोटिक जो मतलब क्रॉप जिसमें कोई भी नशा हो या नशे की वैल्यू हो जैसे अफीम हो गई है ना, तो पॉपी जो है ये एक नार्कोटिक क्रॉप है, ठीक है। तो ये है इसका बी राइट आंसर है। आगे है कि ये फिर मेडिसिनल से रिलेटेड है कि हीरोइन ड्रग जो है वो किससे बनती है, तो वो ओपियम से बनती है, सिंपल है ये रहा। तो इसका जो मिल्क वगैरह होता है इससे इसकी जो रेसिन्स होती हैं उससे जो हीरोइन है वो बनाई जाती है, ये जो इसका जो पॉड होता है, ठीक है, तो इससे जो मिल्क होता है इससे जो अफीम बनाई जाती है, सॉरी हीरोइन बनाई जाती है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, चाहे आप फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड नहीं हो फिर भी आपको आया होगा अगर आपने कोई भी बेसिक जनरल एग्रीकल्चर की बुक पढ़ी होगी। तो इसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर द एक्सक्रेटिंग ऑयल फ्रॉम फ्लावर, तो फ्लावर में अगर हमें ऑयल को एक्सक्रेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है सॉल्वेंट एक्सक्रेशन मेथड, ठीक है, SEM। चलिए ठीक है, यहां पे डी लिखा है लेकिन राइट आंसर है सी। चलिए अगला सेक्शन है हमारा रीजनिंग का। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फ्लोरिकल्चर के 80 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, इसमें से रेशो रहा है 10 से 15 क्वेश्चन का मेडिसिनल का, फ्लोरिकल्चर लेकिन मेडिसिनल के एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, और बाकी फ्लोरिकल्चर के जो क्वेश्चन है उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिला है, साइंटिफिक नेम से लेके टेम्परेचर पीएच हर टाइप का क्वेश्चन मिला है। तो आपको लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है कि सिलेबस फिक्स है, ठीक है, और सिलेबस फिक्स है और 2017 के बिल्कुल डिट्टो सेम सिलेबस है, और यहाँ पे अगर आप एक राइट कैंडिडेट अगर मेहनत कर रहा है तो उसको फल यहाँ पे जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि IBPS में क्या है कि जैसे एनिमल हस्बेंड्री आया पिछले साल है ना, तो अगले साल कौन सा सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करेगा ये एक कॉमन स्टूडेंट के लिए, एक साधारण स्टूडेंट के लिए एक प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर एक्सपीरियंस स्टूडेंट है तो वो आराम से कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये सिलेबस फिक्स है और ऑप्शन भी चार आएंगे, ठीक है, और दूसरा पेपर के लिए आपके पास एम्पल ऑफ अमाउंट टाइम है, ठीक है, आपके पास टाइम भी अच्छा है, तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, ठीक है। बाकी दिल्ली हमारे कैपिटल में जॉब है तो जॉब करना भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो रीजनिंग में है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो सेक्शन की बात करेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर को कवर किया गया, ठीक है। ये जो रीजनिंग है, ठीक है, इसमें जो स्टेट लेवल वाला या SSC में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि सिंगल पूछ लिया, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक पजल पूछ लिया या DI पूछ रहा है एप्टीट्यूड में, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि देखिए ये वाले क्वेश्चन ये SSC और ये क्वेश्चन मतलब आते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मतलब ये एक रो में मतलब जो स्टैंडिंग मतलब है कि सेकेंड जो है एक रो बेस्ड की एक्स जो है वो वाई के सेकेंड में बैठा है, थर्ड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली, तो ये सब चीजें जो है ये
चीजें ये सिंपल एसएससी और एग्जाम स्टेट में स्टेट लेवल एग्जाम में रिपीट होती हैं। ठीक है, चलिए आगे है। देखिए पिछले वाला भी एक पजल और मतलब सीटिंग अरेंजमेंट था, ये भी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन ये बैंकिंग वाले सीटिंग और पजल अरेंजमेंट नहीं है, ये एसएससी और स्टेट लेवल वाले सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस टाइप के ही प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा, ये इजी है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये टफ लग रहा हो, लेकिन इसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के टॉपिक की तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये भी जो है स्टेट लेवल वाला है कि नंबर है, ठीक है कि ये मतलब इसमें मिसप्लेस हो गया है तो एक्चुअल में नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन है कि इतना एक मैन है वो 9 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट गया है, ठीक है, फिर वो यहाँ से अपना उसने लेफ्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ईस्ट रखते हो, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ रखते हो, तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आए हैं। एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में से आया है, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन रहा है, ठीक है, उस टाइम पे तो एनालॉगी से क्वेश्चन रहा है, ठीक है, केयरलेस तो पर्टिकुलर तो प्रैक्टिकल तो क्या आइडियल, ठीक है, तो इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि अगर हर्ट को ये राइट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है बैंकिंग में कम आते हैं, ये एसएससी और स्टेट लेवल में ज़्यादा आते हैं। मिसिंग नंबर वाला हो गया, ठीक है कि ये मिसिंग नंबर, तो इसमें एक लॉजिक बन रहा होता है, ये एक टाइप की नंबर सीरीज ही है। ठीक है, बैंकिंग में नंबर सीरीज आती है कि एक फ्लो फॉलो कर रहा होता है, लास्ट में पूछ लेता है या ऑड नंबर पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये एक पूरा एक रेक्टेंगल में मतलब पूछा जाता है कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, चलिए आगे है। आगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो बैंक में भी आते हैं ये वाले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, इसमें से कौन सा फॉलो होगा, ठीक है, कौन सा नहीं होगा, ये वाले हैं, ऑप्शन चार हैं। ठीक है, तो दसवां जो क्वेश्चन है ये भी एनालॉगी से, तो एनालॉगी से दो क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर 30 और 42 तो सेम परपेंडिकुलर रेशियो में 72 और क्या आएगा, 90। ठीक है, अगला जो हमारा सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये भी एसएससी और जो स्टेट लेवल है वैसा ही है। पहले ये लिस्ट नंबर वाला है कि ठीक है डिवाइड इससे करेंगे, तो ये वाला है। ठीक है, ये गुरुकुल का मॉड्यूल 1 में यही वाला चैप्टर शुरू किया गया है। ठीक है, तो गुरुकुल के एप्टीट्यूड में आपको स्टार्टिंग में 5 अभी तक जो एप्टीट्यूड के लेक्चर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं और ये वाला अच्छे से कवर करवा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि ये जो हैं ये IBPS से रिलेटेड नहीं है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैम के द्वारा कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश भी वहाँ पे कवर करवाई जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पे एंगल्स वगैरह, ठीक है, ये यहाँ पे कितना मीटर्स, यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन आपके लिए IBPS वालों के लिए न्यू होंगे, लेकिन अगर आप SSC के एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल दे रहे हो तो आपके फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक के ऊपर सीरीज के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग, ये मतलब यहाँ से 3 AM को पी शुरू हो रहा है। ठीक है, वो क्यों पॉइंट पे 6 AM पे पहुंचता है, ये सब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, और एक वेसल है उसमें 80 लीटर का अल्कोहल है। ठीक है, 4 लीटर उसमें निकाल लिया या मतलब कुछ ऐसा कर लिया तो कितना बचेगा, तो ये वाले, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का जो है वो हाउ मच कितनी होगी, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पूछा गया था। तो 32% यहाँ पे कोई काम को टाइम एंड वर्क के ऊपर ये क्वेश्चन एक था। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ऊपर, तो यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये मतलब परसेंटेज के ऊपर ये क्वेश्चन था। ठीक है, परसेंटेज, तो परसेंटेज हुई ये भी यहाँ पे एक, तो हर चैप्टर के ऊपर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया था। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो DA वगैरह है वो वहाँ पे नहीं पूछे गए थे, तो ये वाले क्वेश्चन थे। तो चलिए आगे है जर्नल अवेयरनेस में। तो जर्नल अवेयरनेस में मैं शुरू करने से पहले बोलूँगा, जर्नल अवेयरनेस को 3 सेक्ट में बांटा गया था। ठीक है, 10 क्वेश्चन है लेकिन सेक्ट यहाँ पे 3 थे। ठीक है, 3 कौन कौन से आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर वालों के लिए सबसे इजी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे करंट अफेयर नहीं है। पहले तो एक बात समझिएगा,
यहाँ पे करंट अफेयर नहीं है, यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस है। जर्नल अवेयरनेस का मतलब है आपको एनिशियंट हिस्ट्री से भी पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद भी पूछा जाएगा, बाद की जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री उससे भी पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको जो जर्नल आपके नॉलेज है वो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और तीन चार क्वेश्चन करंट के भी पूछे जाएंगे। तो जीए का जो सेक्शन है ये तीन से चार सेक्ट में बांटा हुआ था। देखिए, चाहे एक नंबर जर्नल अवेयरनेस से आ रहा है, चाहे फ्लोरिकल्चर से आ रहा है, उसकी वैल्यू बराबर है, ये बात याद रखिएगा। तो ये कभी मत सोचिएगा कि जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन इजी होंगे, सबसे ज्यादा इजी होंगे। 10 नंबर आप यहां से 10 में से 7 से 8 नंबर आप इजीली ले पाओगे। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश और जर्नल, ये जो 40 नंबर है ना, ये 1/3 रोल प्ले करेंगे। 1/3 मतलब 33%, 33% 100 में से 33% बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल का पूछा गया है, देखिए जनरल नॉलेज का पूछा है, ठीक है, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कि 13 अप्रैल को कि कौन से दिन को, बैसाखी का दिन होता है वो, ठीक है। तो जलियांवाला बाग में जो मासेकर हुआ था, जो मासेकर किसे बोलते हैं, कि जैसे काफ़ी लोगों को एक जगह पे मतलब उनको मौत मिले, है ना, तो जैसे मासेकर बोलेंगे तो उनकी मौत हो जाए, तो जलियांवाला बाग का फेस्टिवल का पूछा, कौन से फेस्टिवल पे वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये जो बेसिकली जनरल डायर ने किया था, ठीक है, तो बेसिकली ये जो मासेकर था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लोग किस पर्पज के लिए इकट्ठे हुए, तो बैसाखी ऐसा मत याद रख, ऐसा मत रखना कि बैसाखी का त्यौहार था इसीलिए इकट्ठे हुए थे। उस टाइम पे क्या था कि दो पर्सन थे, ठीक है, एक का नाम था डॉक्टर चेचलू, ठीक है, और दूसरे का जो नाम था वो था डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और लोग इनके गुस्से, इनको छुड़ाने के लिए और इनको बिना कोई मतलब गैर कानूनी तरीके से इनको अरेस्ट किया गया था, और लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और लोग इसीलिए वहां पे इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और वहां पे मासेकर हुआ, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया, गोलियां चली और जितने भी लोग थे वहां पे सभी के सभी मारे गए, ठीक है। और इसके लिए इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसके साथ साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो एक क्रूशियल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो एक एज ए साइलेंट प्रोटेस्ट की थी, उनको एक टाइटल मिला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और टाइटल का नाम था नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड का रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला था। और इसकी जलियांवाला बाग की मासेकर के अगेंस्ट उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट में अपना जो टाइटल था नाइटहुड का वो लौटा दिया था। तो और भी काफी कुछ थे, जैसे कि मतलब जो सर शानकंद नायर थे, सर शानकंद नायर, ठीक है, एसएस नायर आप कह सकते हो, ठीक है, एसएस नायर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्होंने रिजाइन दिया था एज ए विरोसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो वो जो विरोसी थे उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया था। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, एक कमीशन बनाया था, वो कमीशन का नाम था हंटर, और ये कमीशन का पर्पस था कि इसकी जांच की जाए कि ये जो ऑर्डर था ये जनरल डायर ने ही दिया था, और एक्चुअल में ये ऑर्डर था इसका मतलब क्या था, मतलब इस ऑर्डर की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। हंटर कमीशन का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो हंटर कमीशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मतलब जो नाम था, जो इस कमेटी को हेड कर रहे थे, ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड हंटर, लॉर्ड हंटर, ठीक है, जो लॉर्ड हंटर थे वो इसको हेड कर रहे थे, और ये उस टाइम के प्रेजेंट में ये सीनेटर थे, ठीक है, कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड के, ठीक है, कॉलेज ऑफ जस्टिस ऑफ स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड का कॉलेज ऑफ जस्टिस था उसमें ये सीनेटर थे, और इनको हेड किया गया था, और इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसके बदले में आप सबको पता ही होगा सरदार उधम सिंह का कि 13 मार्च को, देखिए नाम याद, ये डेट अगर याद रखनी हो तो ये 13 अप्रैल थी, ठीक है, और ये 13 मार्च को क्या हुआ कि 1940 को जनरल डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में लंदन में जाके उसको जो है कैस्टन हॉल में गोली मार दी थी। कैस्टन हॉल में जो क्या हुआ, गोली मार दी थी, जो कि वो एक मीटिंग को एड्रेस कर रहा था, ठीक है।
तो आपको क्या है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री कब शुरू हो जाती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पुर्तगीज जब इंडिया में आए थे, ठीक है। तो पुर्तगीज जब आए थे, मैं थोड़ा सा यहां पे और टाइम लूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि जो पुर्तगीज थे वो इंडिया में आए थे, सबसे पहले आए थे, वो आए थे 1498 में, ठीक है, ठीक है, 1498 में पुर्तगीज जो आए थे सबसे पहले आए थे, और वो सी रूट के थ्रू आए थे, और उस रूट को बोला जाता है द कैप रूट, ठीक है, द कैप रूट, द कैप रूट उसे बोला जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो आया था, ठीक है, यूरोप से आया था, मतलब पुर्तगाल भी यूरोप में है, तो सबसे पहले जो यूरोप में आया था, पुर्तगीज आया था, उसका नाम था वास्को द गामा, वास्को द गामा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो मतलब ये पुर्तगीज आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री है। जो एनिशियंट हिस्ट्री है वो गुप्ता किंग के टाइम की है, गुप्ता किंग, अशोका मौर्य, ठीक है, जो हिंदू एम्पायर थे, ठीक है, वो वाले हो गए। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो ये वाली पुर्तगीज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक 1857 के बाद वाली, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें मतलब जो एक इंटरेस्टिंग जो चीज थी वो ये है, इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि जो गोवा था वो 1947 के बाद भी पुर्तगाल के अंडर था। कि पुर्तगाल में, जो पुर्तगाल के लिए गोवा में वोटिंग होती थी 1947 के बाद भी, तो 1961 में गोवा आजाद हुआ था, 1961 में गोवा मतलब आजाद हुआ था, मतलब इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। 1961 के तक गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, गोवा पुर्तगाल का पार्ट था 1961 तक। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो आगे है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, एक यहाँ पे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, जो पॉलिटिकल मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन है कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, ठीक है, ग्रंटेड जो सिटीजन को, वो कितने हैं, वो है 6 नंबर पूछे गए थे, वो 6, ठीक है। आगे उस टाइम के, क्योंकि एग्जाम जो हुआ था ये हुआ था सितंबर में, ठीक है, सितंबर 2017 में, तो अगस्त का करंट अफेयर पूछा था कि केरला का चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो अगस्त का ये था करंट अफेयर था, इसका अभी कोई लेना देना नहीं है। ये जो था आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग, डिजीज पूछी थी, गाइटर होती है, ठीक है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो जनरल को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 3 नहीं 4 को करना है, एक जनरल जो नॉलेज है आपको, जैसे ये गोइट्री वाली नॉलेज थी, या पहला जो क्वेश्चन था वो वाला, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का, एक एनिशियंट हिस्ट्री का, और एक करंट का, तो 4 हिस्सों में जनरल डिवाइड है, और ये चारों ही इजी हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जो है, आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड हो वो इस टाइप के एग्जाम में आने के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां पे पूछा है कि गीत सेठी, जो गीत सेठी है ये पर्सन है, ये किस से लिंक है, ये है बिलार्ड से रिलेटेड है, उस टाइप का करंट है, क्योंकि उस टाइम पे यहां पे स्पोर्ट्स गेम हो रही थी 2017 में, ये वाली, ठीक है। आगे जो है यहां पे पूछा है कि दो मतलब अगर सोलुबल सॉलिड है उसे लिक्विड से अगर अलग करना है, सेपरेशन करना है, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन, ठीक है। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही गया, जैसे मैंने पहले बोला कि डिफेंस और ये स्पोर्ट्स और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के एग्जाम में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेयर वाज अ सबमरीन असेंबली वर्कशॉप इनोग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर इन 2016। तो सबमरीन असेंबली वर्कशॉप का पूछा गया है, तो वो है माजगांव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे पूछा है कि प्रोडक्शन और इमिशन ऑफ द लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो बायोल्यूमिनेसेंस। तो अगर जनरल, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर आप इस एग्जाम के लिए करंट के लिए रट्टा मार रहे हो, तो जनरल के भी क्वेश्चन ये वाले जनरल में कवर होते हैं, 3-4 टाइप का जीए होता है। तो ये आ गया हमारा एनिशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, गुप्ता किंग, ठीक है। तो इसमें महेंद्रा गुप्ता, इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा गुप्ता किंग नहीं था, ये एनिशेंट हिस्ट्री है, जो हिंदू जो एम्पायर है, जो हिंदू राज चला था, ठीक है, गुप्ता किंग, ठीक है। इसमें जैसे विक्रमादित्य का आपने सुना होगा, समुद्रा गुप्ता, अमंदा गुप्ता, ये सब हिंदू एम्पायर थे, तो इनमें से कौन सा गुप्ता किंग नहीं था, वो था महेंद्रा गुप्ता। चलिए लास्ट हमारा देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे सिंपल है, फेयर वर्ड्स मीनिंग जो है, जैसे एसएससी और स्टेट लेवल के होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे यहाँ पे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो हो गए वो वाले हो गए, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं,
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना जो पेयर ऑफ वर्ड फिर आ गया, मतलब आपको बैंकिंग वाला की नहीं, ये जंबल है लेकिन ये एसएससी वाला जंबल है, ठीक है, ये एक नंबर का ही जंबल है, ये सिंपल ये यहाँ पे बताना है, वो नहीं है कि फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, बस यहाँ पे सीक्वेंस बता दो, ठीक है। तो ये वाला है, तो यहाँ पे फिलर्स हैं, ठीक है, फिलर्स में ये यहाँ पे यूज टू वगैरह, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एसएससी और स्टेट लेवल में होती हैं, तो आपको इसी लेवल का अपने आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। आगे जो है ये यहाँ पे आपको फ्रेज ईडियम का क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फ्रेज ईडियम है, ठीक है, टू बैग अ डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे है मिसस्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे है, आगे एक आगे जो फिर फिलर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक पी आई एल क्या होती है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी स्ट्राइक वगैरह, कोई भी अगर कोई पब्लिक किसी भी इंसान के ऊपर PIL लगा सकते हो, ठीक है, तो ये इसका पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब कहना कि ये देखिए फिलर, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें आई हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके जो बेसिक नॉलेज है, ये देखिए फिर जंबल का एक क्वेश्चन लेकिन सीक्वेंस वाला, तो वो वाला नहीं है, IBPS वाला नहीं है, SSC और स्टेट लेवल, ठीक है। इसी के साथ हमारे 120 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हुए पूरे, जी बिल्कुल हमारे 120 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि जो पूरा ही ये वाला पेपर है, ठीक है, इसमें ये एक गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट के लिए जो मेहनत करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कह देते हैं कि IBPS में उन्होंने मेहनत की लेकिन प्री में बाहर हो गए, तो ये सिंगल विंडो एग्जाम है और सिलेबस फिक्स है, तो मैं कहना चाहूँगा ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो COVID-19 की वजह से, ये मानिए कि एजुकेशन कोई भी है वो काम सबसे लेट होगा, ठीक है, पहले प्रायोरिटी बेसिस पे काम होंगे, तो एजुकेशनल काम सबसे लेट होंगे, तो ये जो एग्ज़ाम है, जैसे 2016 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये वाली, और 2017 के सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो आराम से मने कि स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम है वो डिले तो होंगे ही होंगे। हाँ, IBPS EFO वगैरह का अगर हो डिले होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या एक महीना बस, क्योंकि 2016 में भी अगर EFO डिले हुआ था तो वो एक महीना हुआ था, ठीक है, 2015-16 में, ठीक है। उसके बाद RRBS पिछले साल अगर डिले हुआ तो वो 23-20 दिन हुआ था, 21 सितंबर को होना था और 13 अक्टूबर को हुआ था, तो ये ज़्यादा डिले वाला काम नहीं होगा बैंकिंग में, बैंकिंग कभी रुकती नहीं है, लेकिन ये जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है। और हाँ, कोर्स की वैलिडिटी मैं थोड़ा बताना भूल गया कि जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा, और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी मतलब ये जो पेपर है इसके लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।